नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको फिर से किस्सा सुनाने जा रहा हूँ, और यह किस्सा जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। क्योंकि इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही सिंपल मेडिसिन थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट को इस सिंपल मेडिसिन ने ठीक किया था। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुज़ुर्ग की जिसे पार्किंसन की समस्या थी, जिनके हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा थरथराते थे, और उन्हें मैंने एक सिंपल और इफ़ेक्टिव मेडिसिन दी जिससे उनकी प्रॉब्लम धीरे धीरे और हमेशा के लिए ठीक हो गई। हालांकि वो अभी भी वो दवा जो मैं आज आपको बताऊंगा, उस दवा का सेवन अभी भी वो करते हैं। तो दोस्तों, चलिए इस किस्से के बारे में जानते। मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थोड़ा सा रुकें, सब्सक्राइब करें और फिर वीडियो देखें। और हाँ, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है, वहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। इसके अलावा मैं कहीं पर भी किसी को भी व्हाट्सएप खुद से नहीं करता हूँ, ना ही मेरा कोई टेलीफोनिक नंबर है जिससे आप मुझसे बात कर सकते हैं, या कांटेक्ट नंबर है, या मैं किसी को कांटेक्ट नंबर देता हूँ या फ़ोन उठाता हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। और ना ही ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम है और ना ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे फेक अकाउंट से आपको फेसबुक पे या मैसेज सेक्शन में आप बोला जा सकता है कि इस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिए, इस नंबर पे आपको दवा मिल जाएगी, इस नंबर पे डॉक्टर कीर्ति विक्रम से ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल फेक हैं, आप मुझे सिर्फ ईमेल ही कर सकते हैं। दोस्तों, लगभग एक साल पहले की बात है, मैं एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, वो पेशेंट मेरे पास रेगुलर आते थे। ऐसा नहीं है कि आज आए हैं, उन्हें शियाटिका की भी प्रॉब्लम थी उसके लिए भी आए थे, फिर उन्हें कुछ और प्रॉब्लम थे उसके लिए भी आए थे, फिर उन्हें कुछ और प्रॉब्लम थे उसके लिए आए थे। मतलब रेगुलर पेशेंट हैं वो। कभी पेट की समस्या होती है, अब थोड़ी सी एज के बाद समस्या होती है, और हमारे यहाँ क्या है, कोल इंडिया है, और कोल इंडिया जब नीचे आदमी माइनिंग करने जाता है, तो जब उसकी उम्र बढ़ती है तो समस्याएँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं मेरे यहाँ, और आते हैं, समस्या बताते हैं, दवा ले जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। तो वो मेरे पास एक बार आए और उन्होंने शियाटिका की प्रॉब्लम बताई, लेकिन उनका हाथ कांप रहा था बहुत ज़्यादा। तो मैंने बोला कि ये क्या हो गया, तो बोले मैं अभी गया हूँ बाहर, दिखा के आया हूँ और आराम नहीं लगा है 3-4-6 महीने से, मैंने बहुत सारी मेडिसिन खाई। क्योंकि स्वाभाविक बात है कि अगर कोल इंडिया में कोई काम करता है, बाहर जाता है, चेकअप कराता है, सब कुछ फ्री होता है और डॉक्टर्स भर भर के दवा देते हैं, तो बहुत सारी उन्होंने मेडिसिन खाई लेकिन उन्हें आराम नहीं लगा। उन्हें पार्किंसन की प्रॉब्लम थी, मैंने उनकी रिपोर्ट्स मंगाई और देखा तो पार्किंसन की समस्या थी, और वो समस्या उनकी बढ़ती जा रही थी। हाथ बहुत ज़्यादा कपकपा रहे थे, थर थर आ रहे थे। तो हालांकि उनकी, जैसा कि मैंने बताया कि शियाटिका की मेडिसिन चल रही है, आर्निका 200, रूटा 200 और बहुत सारी और मेडिसिन, कभी गैस की, कभी कुछ की, कभी कुछ की। तो मेरे को लगा कि मैं बहुत सारी अगर मेडिसिन दूंगा तो, वैसे भी बहुत ज़्यादा दवा खा रहे हैं, कुछ एलोपैथिक मेडिसिन भी खा रहे हैं, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन भी खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन एक प्रॉब्लम के लिए मैं दे नहीं सकता था। तो मैंने सिर्फ एक सिंपल और इफ़ेक्टिव मेडिसिन उस समय याद आई मुझे, और उसका याद आना बहुत स्वाभाविक है क्योंकि वो सबसे इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। उस दवा का नाम है कालीफॉस। दोस्तों, कालीफॉस, अगर आप बुज़ुर्ग हैं और आपका हाथ थरथराना चालू हो गया है, हाथ कपकपाना चालू हो गया है, चीज़ें आप भूलने लगे हैं, और जब आप टेस्ट कराते हैं, एमआरआई कराते हैं, थोड़ी सी एट्रॉफी, या डॉक्टर बोलते हैं या नस सूख रही है दिमाग की, अगर ये डॉक्टर बोल रहे हैं और ये समस्या है, आप कालीफॉस बायोकेमिक साल्ट ज़रूर से यूज़ करें। इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और आप इसे लगातार हमेशा के लिए ले सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में पार्किंसन की समस्या थी, मम्मी पापा को ये प्रॉब्लम था और आपको होने लगा है, कालीफॉस ज़रूर यूज़ करें। हाथ पैर थरथरा रहे हैं, बोलने में भी थरथराहट आ रही है, कोई भी चीज़ याद रखने में समस्या हो रही है, चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, टेंशन लेना ये बढ़ रहा है, तो कालीफॉस बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कालीफॉस
अगर आप बुज़ुर्ग हैं और आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है, 12x पोटेंसी में यूज़ करें। पिक्चर आपको दिख रही है, मैंने उन्हें कालीफॉस 12x में दी और 6 गोली सुबह चूसने के लिए दिया, 6 गोली शाम को, बस 2 बार सुबह और शाम को बस इसे चूसना है। हाँ, ये याद रखना है कि ये डॉक्टर रेकवेक की होनी चाहिए, ये जर्मन की होनी चाहिए, ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो डॉक्टर रेकवेक की कालीफॉस 12x यूज़ करें, 6 गोली सुबह चूसें, 6 गोली शाम को चूसें। ये मेडिसिन आप 1 महीने तक लेंगे, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी, हाथ थर थर आना कम हो जाएगा और धीरे धीरे प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लेकिन इस केस में यही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था कि उनकी 1 महीने में हाथ थरथराना बिल्कुल ख़त्म हो गया था, बिल्कुल ठीक हो गए थे वो। तो ऐसा भी होता है, लेकिन हम ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 महीने में ठीक हो जाएंगे आप, क्योंकि हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, मानसिक स्थिति अलग होती है और दवाई कितना असर करे ये भी डिपेंड करता है। तो हम मानते हैं कि 1 महीने में आपको आराम ज़रूर लगेगा, और आराम लगे तो फिर आप ये दवा कंटिन्यू करिएगा, हमेशा लेते रहिएगा, पूरा ठीक हो जाए तो दिन में 1 बार 6 गोली ज़रूर चूसिएगा। ये साल्ट है, इसे आप मेडिसिन ना समझें, ये आपके शरीर में जाएगा और फिर आपके शरीर में जो कमी है उसे ये पूर्ण करेगा। नर्व टॉनिक है, ब्रेन टॉनिक है, बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है आपके दिमाग के लिए। अगर आप बुज़ुर्ग हैं, बात मानिए, कालीफॉस ज़रूर यूज़ करिए 12x पोटेंसी में, 6 गोली सुबह 6 गोली शाम को। ये मेडिसिन सच में बहुत इफ़ेक्टिव है और मैं बहुत सारे पेशेंट्स को ये मेडिसिन दे चुका हूँ, इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। बहुत बार मैंने यूट्यूब पर भी ऐसे वीडियोस कालीफॉस पे बनाए हैं, लेकिन बार बार बनाता रहता हूँ क्योंकि ये मेडिसिन इतनी इफ़ेक्टिव है कि इसके बारे में जिक्र करना ज़रूरी हो जाता है। तो ये था आज का किस्सा, आखिरी में उनकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो गई, वो अभी भी कालीफॉस यूज़ कर रहे हैं, उन्हें काफ़ी आराम है और उनकी जो वाइफ है वो भी कालीफॉस यूज़ कर रही हैं, उन्हें भी काफ़ी आराम है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिखे तो उसको दबाना बिल्कुल मिलेगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखे तो उसको भी दबा दीजिए, उसको बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाते रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, नीचे शेयर की बटन दिखे तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।